साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने नंबर वन टी20 बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के बारे में बड़ा दावा कर दिया। निजी टीवी प्रोग्राम के दौरान सिकंदर बख्त का कहना था कि मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि मैं सरफराज अहमद को कभी वापस नहीं आने दूंगा। निजी चैनल में गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद के बैनुल अक्वामी मुस्तकबिल पर बड़ा दावा किया। सिकंदर बख्त ने इंकशाफ किया कि सरफराज का पाकिस्तान की नुमाइंदगी का कोई इम्कान नहीं है। ये दावा करते हुए उन्होंने मोहम्मद रिजवान का जिक्र किया कि मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि वो इन्हें कभी वापस नहीं आने देंगे। सिकंदर बख्त ने मजीद कहा कि सरफराज अब नहीं खेलेंगे। क्रिकेट की दुनिया बहुत छोटी है, इसलिए हमें अंदर की बातों का पता चल जाता है। हमारे साथ प्रोग्राम करने वाले एक क्रिकेटर ने बताया कि रिजवान का कहना है कि मैं सरफराज को कभी नहीं आने दूंगा। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जब सरफराज कप्तान थे तो उन्होंने रिजवान को खेलने नहीं दिया था, मगर अब बात इसके बरक्स है कि मैंने भी ये सब किसी से सुना है, हो सकता है मैं भी गलत हूँ। पिछले कुछ सालों में बतौर ओपनर रिजवान की मुसलसल कारकर्दगी ने बतदरीज पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को टीम से बाहर करा दिया था, लेकिन शायकीन सरफराज की वापसी के लिए पुरउम्मीद हैं।